तो अभी अभी फ्रेंड्स मैं पूजा वाले रूम में आ गई हूँ और यहाँ आकर बैठ गई हूँ। और रिनी यहाँ पर अनार खा रही हैं, तो अभी उठकर भाग गई हैं। तो बच्चों का यही है, एक जगह तो बैठते नहीं हैं, उनको इधर इधर घूमना होता है। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अभी अभी मैंने दीपक जलाया है भगवान जी का। और फ्रेंड्स लखनऊ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत अच्छा लगा। और मेरी वीडियो पर कमेंट्स करती हैं ऊषा जी, ऊषा सिंह जी, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ऊषा जी, आप मेरी वीडियो इतने प्यार से देखती हैं, कमेंट्स करती हैं, लाइक करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बार उन्होंने मेरी वीडियो में बोला था कि कैस्ट्रॉल और कैस्ट्रॉल कि कैसरॉल कैसरॉल बोला जाता है, तो मैं उसे नहीं प्रनाउंस कर पाती हूँ। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हम नहीं प्रनाउंस कर पाते हैं, सही नहीं बोल पाते हैं। तो उन्होंने बोला था और मुझे समझाया था, बताया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसे ये लगता है कि वो मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखती हैं, उन्हें अच्छा लगता है और उन्होंने मुझे समझाया बताया। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ मैं कैस्ट्रॉल और कैस्ट्रॉल नहीं अच्छे से बोल पाती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ आप लोग समझ लिया कीजिए, अगर कोई भी शब्द मेरे से कुछ गलत निकल जाता है तो आप लोग समझ लिया कीजिए, मेरे फ्रेंड्स हो इतना तो आप समझ जाओगे। और एक और है कल्पना सिंह, तो वो भी मेरे वीडियो पर कमेंट्स करती हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच कल्पना जी, आप मेरे वीडियो पर कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आप सब कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ और ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी आप सबके लिए। तो बस मैं यही कहना चाहती थी ऊषा सिंह जी से, और उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। तो हाँ जी ऊषा जी, मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी, थोड़ा सा मेरे चैनल को ग्रो हो जाने दीजिए, चैनल को थोड़ा सा, मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी। और आप कानपुर से हैं तो मिलना तो बनता ही है आपसे, बिल्कुल मिलूंगी। तो बस यही मैं बताना चाहती थी आप सबसे। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन फ्रेंड जरूर दबा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो बस मैं यही सब कहना चाहती हूँ आप सबसे। तो यहाँ पर अभी किचन में आ चुके हैं हम लोग और पालक पनीर की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन छील लिया है और ये मैंने स्प्राउट में भिगाती हूँ रोज बच्चों के लिए, सुबह टिफिन में भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। तो ये है स्प्राउट और थोड़े से बादाम भी डाले हैं मैंने, बादाम तो ये अक्सर मिलेगा आपको मेरे घर पर। और यहाँ पर मैंने जमाई है दही, इसमें मैंने दही जमाई है। और अभी मैं बनाऊँगी बथुए का रायता और साथ में मैंने ये मिर्ची साफ़ करके रख ली है। तो बस जब मिर्ची आती है तो मैं इसी तरह मिर्ची की डंठल तोड़ कर रख लेती हूँ, जिस धुलकर तो बहुत आसान रहता है और काफ़ी फ्रेश रहती हैं, काफ़ी दिन तक चलती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। इधर दूध रखा हुआ है मेरा और ये अभी मैंने बच्चों को यहाँ पर ग्रेप्स धोकर खाने के लिए दिए थे, तो थोड़े से उन्होंने छोड़ दिए हैं बच्चों ने, यही करते हैं वो लोग। फ्रूट बच्चे खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। और यहाँ पर मैंने पालक बॉईल करके रख दी है और ये मैंने थोड़ा सा आटा रखा हुआ है मेरा, तो इसकी मैं चपाती बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने अनार छील कर रखा था बच्चों के लिए, तो अभी खाएंगे जब उनका मन करेगा। और अब मुझे इस जग में पानी भर कर रखना है, तो मैं अक्सर इस जग में पानी भर कर यहाँ पर रख देती हूँ, इससे खाना बनाने में बहुत आसानी होती है और मैं कुकिंग के समय यही पानी यूज़ करती हूँ। और ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैं रखती हूँ धनिया, तो ये देखिए इसमें मैंने धनिया रखी है, उस टिश्यू पेपर लगा दिया है, धनिया को साफ़ कर दिया है।
और ये धनिया करीब मेरी 1 हफ्ते 10 दिन तक बहुत आराम से चल जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है, ये 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो बस ऐसे ही मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे। और इस बॉक्स में मैंने मटर छील कर रखी हुई है, तो बस मटर छील के जितनी भी आती है खट्टा मैं छील कर रख देती हूँ। कुकिंग करने के समय बहुत आसानी होती है, आराम से आप लो और जल्दी जल्दी अपनी सब्जी खाना जो भी बनाना है बना लो, इससे टाइम की बचत भी होती है, खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर मैंने बथुआ बॉयल किया है, ये देखिए, तो बथुए का रायता बनेगा। थोड़ी सी तैयारी और बाकी है, वो भी मैं कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो मेरे ड्रॉल बने हैं ना किचन में, आप देख रहे हैं, तो ये जो दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पर मैंने सब रखे हैं बच्चों के टिफिन और ये सब चीज़ें। तो मैं क्या लाई हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आपको अपना बॉक्स भी आज दिखा देती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मेरे सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, मसाला, और ये मसालदानी है जिसमें मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं, और ये 2 कंटेनर यहाँ अक्सर रखे रहते हैं ये वाले। तो इसमें कंटेनर में बिस्किट रहता है, नमकीन रहता है, और ये सारे स्पाइसेस मेरे यहाँ पर। देखिए, और नीचे वाले ड्रॉल में यहाँ पर भी टिफ़िन बॉक्स सब मैं रखती हूँ। तो ये इस तरह से है, तो ये तीनों बॉक्स ऐसे रखे हैं। और ये दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। एक मिनट फ्रेंड, मैं अभी पन्नी खोल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से पॉलीथीन खोल नहीं रही है। ये देखिए, ये बहुत प्यारी सी चीज़ है, और शायद बहुत लोग को ये अच्छी ना भी लगे और बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगे। तो ये देखिए, ये छोटा सा मिट्टी का ये है कफ, तो ये मैंने लिया है, और ये मुझे 3 रुपीज़ के एक मतलब 1 पीस पड़ा है। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा है, मुझे लगा तो मैंने ले लिया। और 6 पीस लिए हैं, ये मैंने लिया है, और मम्मी ने लिए थे वहाँ से 2 घड़े जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी लखनऊ में, यहाँ से हमने लिया था। तो मम्मी ने घड़े लिए थे और मैंने ये 6 पीस ले लिए। तो बस जब चाय बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पालक पनीर मैंने बनाकर रेडी कर दी है, और अब मैं सबको खाना दे रही हूँ रात का। और ये पालक पनीर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी, वो इसलिए क्योंकि रात का टाइम है और टाइम से सबको खाना देना है, डिनर देना है, और रेसिपी शेयर करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने रेसिपी नहीं शेयर करी। और अब भी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो यहाँ पर पालक पनीर, बथुए का रायता, रोटी और राइस बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड, ये नेक्स्ट दिन है और मॉर्निंग का टाइम है, और आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी। तो ये है मशरूम, और ये कल आए थे तो रात में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और मैं जब भी मशरूम आता है तो मैं बहुत जल्दी इन्हें बनाने की कोशिश करती हूँ, और बिल्कुल फ्रेश जल्दी बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि मशरूम बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशरूम ले लिया है, और इनको अभी मैं कट करूँगी, और कट करके मैंने धुलूँगी। और ये देखिए, मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूँ, और मटर मशरूम बनाऊँगी। मेरी बड़ी बेटी को मटर मशरूम बहुत पसंद है, पसंद हम सबको है, छोटी बेटी को मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं उसे खिलाती हूँ। मैं बच्चों को हर चीज़ खिलाती हूँ, भले ही उन्हें पसंद हो या ना हो, ताकि वो बच्चे आगे चल के सारी चीज़ें खाएँ और उनको हर चीज़ का टेस्ट पता चले। तो इसलिए मैं मशरूम की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मशरूम मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, और ये मैंने अदरक लहसुन छील लिया है यहाँ पर, और ये मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा, इलायची, लौंग, ये सब लिया है फ्रेंड्स, ज़ीरा लिया है, गोल मिर्च ली है, लौंग ली है, और ये मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है, पीस लिया है, और
टमाटो की प्यूरी बना ली है, आटा मैंने गूंद कर रख लिया है और मैं जल्दी से मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए इस बॉक्स में मैं मटर छील कर रख देती हूँ। तो अभी मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं इसे मस्टर्ड ऑयल से बनाऊँगी और लखनऊ घूमने गए बहुत मज़ा आया और उससे भी ज़्यादा अच्छे लोग मुझे लखनऊ के लगे और बहुत अच्छा लगा उन लोग से मिलकर बात करके और लखनऊ घूमकर बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर हमारा ऑयल खूब अच्छे से गर्म हो गया है और उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं और जैसे ही हल्के से मसाले पक जाएंगे और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज का पेस्ट, जो मैंने अनियन का पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी और खूब अच्छे से इसको भूनना है, लाल करना है खूब अच्छे से इस पेस्ट को और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अदरक लहसुन को खूब अच्छे से कूट कर इसमें डाल दूँगी प्याज के पेस्ट में और उसको भी खूब अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए हमारा प्याज का पेस्ट एकदम ब्राउन हो चुका है, भुन चुका है और अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी खूब अच्छे से भूनना है और बिल्कुल कच्चापन चला जाए अदरक लहसुन का और ये जितने अच्छे से ब्राउन आप करेंगे भूजेंगे उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा मशरूम की सब्ज़ी में। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, रेड चिली, धनिया पाउडर सब डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये देखिए ये भी खूब अच्छे से भून चुका है और अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी और खूब अच्छे से भूंजूंगी ताकि जो प्यूरी मैंने डाली है अच्छे से पक जाए और ग्रेवी से तेल छूट जाए। मसाला हमारा भुन चुका है और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। तो आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालिए कि आपको कैसा नमक चाहिए और यहाँ पर मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो मसाला बिल्कुल भुज के रेडी हो चुका है और ये मेरा गरम मसाला है, ये होममेड गरम मसाला है। मैं घर में ही गरम मसाला पीसती हूँ, तैयार करती हूँ, बनाती हूँ, सारे खड़े मसाले लाकर घर ही में पीसती हूँ। और मेरे गरम मसाले की एक सीक्रेट है तो वो मेरे वीडियो पर मैंने दे रखा है, गरम मसाले का सीक्रेट। तो मेरे गरम मसाले का क्या सीक्रेट है वो आपको मेरे चैनल पर जो मैंने वीडियो दे रखा है गरम मसाले का सीक्रेट, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो क्या सीक्रेट है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने गरम मसाला और मशरूम डाल दिए हैं। अब मैं इसको डालकर खूब अच्छे से थोड़ी देर मशरूम डालकर भूंजूंगी। मशरूम बहुत जल्दी पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस भूंजने के बाद मैं इसे अभी पानी नहीं डालूंगी और आप चाहें तो इसे ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सूखा सूखा बना रही हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, करीब एक कप पानी इसमें, और बस इसे धीमी आंच करके ढक दूँगी। तो ये देखिए एक कप पानी मैं इसमें भर के डाल दूँगी और इसे ढक कर रख दूँगी और बस ये 10-15 मिनट में मशरूम मेरे पक जाएंगे और बस सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप मशरूम की सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत स्वादिष्ट बनती है। मटर मशरूम खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड, तो मशरूम की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और ये देखिए बहुत खाने में तो बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए मैंने गाढ़ी गाढ़ी से बनाई है, बिल्कुल पतली ग्रेवी नहीं की है। और ये देखिए तो काफ़ी सुंदर कलर भी आया है सब्ज़ी का और आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और आज मुझे डॉक्टर के यहाँ रिया को लेकर जाना है, उसका चश्मा चेंज करवाने। फ्रेंड्स मैंने मॉर्निंग में पोहा बनाया था और ये मशरूम की सब्ज़ी रेडी हो गई है और दोपहर के लंच में मैं सबको मशरूम की सब्ज़ी और ये पराठा दे रही हूँ। और मैं रिया को लेकर आज जाऊँगी तो उसका चश्मा चेंज करवाऊँगी क्योंकि चश्मा काफ़ी पुराना हो गया है और चश्मा छोटा हो गया है और अब बच्चे हो गए हैं बड़े, तो चश्मा चेंज करवाऊँगी अब उसका। ये दोपहर का लंच रेडी हो गया है तो ये मशरूम की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आइस टेस्ट करवाने रिया की आ चुके हैं और यहाँ पर रिया की आइस टेस्ट हो रही है और उन्होंने बताया कि एक पावर बढ़ गया है लेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉप जेके कॉलोनी में पड़ती है, दुर्गा मंदिर के जस्ट सामने, मिल्टन स्कूल के जस्ट बगल में पड़ती है और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे गॉगल्स की वैरायटी है और बहुत अच्छे फ्रेम भी हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर एक गॉगल्स मैं भी ट्राई करके देख रही हूँ। तो ये देखिए, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है मेरे फेस पे और काफ़ी अच्छे मुझे इनके पास लगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं अच्छे से आपको इनकी शॉप दिखा देती हूँ और आप यहाँ से अपनी आईज टेस्ट भी करवा सकते हैं और यहीं से आप अपना ग्लास और फ्रेम सब कुछ बनवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी शॉप है। रिया को ये वाला गॉगल्स बहुत पसंद आ रहा था तो रिया ने ये वाला गॉगल्स ले लिया है और आईज तो टेस्ट हो चुकी हैं तो बस अब ये फ्रेम पसंद करेगी, जो इसको अच्छा लगेगा वो सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और वही वाला फ्रेम बनवाने के लिए दे देंगे, यहाँ से बनवाएंगे। और इनकी शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी और इनके पास काफ़ी कॉस्टली फ्रेम भी हैं, काफ़ी महंगे हैं, 1700-1800 के भी हैं। बहुत अच्छे फ्रेम मुझे लगे और बहुत अच्छे इनके गॉगल्स की वैरायटी लगी, बहुत अच्छे अच्छे थे इनके पास, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो आप सबके लिए यहाँ का बना लिया है। अगर आप सब चश्मा बनवाना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग गॉगल्स बनवाने के बाद आ चुके हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि रिया का आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है गर्मा गर्म और अब हम पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। तो एक बार मैं आपको पूरी शॉप दिखा देती हूँ, छोटी सी शॉप है और काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा इनके यहाँ मिलता है। तो बस जल्दी जल्दी हम पिज़्ज़ा खाएँगे। हम लोग रिया की आइस टेस्ट करवा के और पिज़्ज़ा खा कर घर आ चुके हैं। टाइम से करीब 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर लाई हूँ फ्रूट। तो फ्रेंड फ्रूट ज़रूर खाइए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अपने बच्चों को फ्रूट खाने की आदत ज़रूर डालिए। और दिन भर में आपको करीब 2 फ्रूट्स तो ज़रूर खाना चाहिए। तो एक मैं सुबह 11 बजे फ्रूट खाती हूँ, करीब सुबह की चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ और उसके बाद 11:30 बजे मैं फ्रूट खाती हूँ। और बच्चों को मैं टिफ़िन में फ्रूट ज़रूर देती हूँ, एक फ्रूट तो ये बच्चों के लिए लाई हूँ। और बस इसी तरह से मैं हफ्ते में एक बार फ्रूट ले आती हूँ और ज़रूर लाती हूँ। आप भी अपने बच्चों को फ्रूट ज़रूर खिलाइए फ्रेंड्स, बच्चे बहुत फ्रूट खाने में ज़िद्द करते हैं। तो इस समय जो सीजनी फ्रूट आ रहे हैं वही मैं लाई हूँ, एप्पल और ये चीकू लाई हूँ और ऑरेंज और बनाना, तो इस समय यही आ रहा है। और मैं ग्रेप्स भी आ रहे हैं, पर मैं ग्रेप्स इसलिए नहीं लाई हूँ कि इस समय सर्दी है और बच्चों को ग्रेप्स खाने से थोड़ा सा सर्दी हो जाती है। पर संतरा लाई हूँ मैं यहाँ पर और इसे यहाँ पर माल्टा बोलते हैं इसको, ये जो बड़ा वाला है, और आप क्या क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।